इस सेशन में हम नेक्स्ट यूनिट शुरू करते हैं जो कि है फिफ्थ यूनिट, यूनिट फिफ्थ, साइकोथेरेपी एंड साइकोफार्माकोलॉजी। साइकोथेरेपी मतलब जो भी थेरेपीज़ हम यूज़ करते हैं मेंटली जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उसको ट्रीट करने के लिए, उसको हम साइकोथेरेपी बोलते हैं। और साइकोफार्माकोलॉजी मतलब जो भी मेडिसिन, जो भी ड्रग हम यूज़ कर रहे हैं साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स को ट्रीट करने के लिए, दैट इज़ साइकोफार्माकोलॉजी। तो नेक्स्ट यूनिट हमारा यही है, साइकोथेरेपी एंड साइकोफार्माकोलॉजी। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे साइकोफार्माकोलॉजी का। ओके, साइकोफार्माकोलॉजी होता है तो डेफिनेशन है, इट इज़ द स्टडी ऑफ ड्रग विच इज़ यूज टू ट्रीट साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स। जितने भी साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स हैं उनको ट्रीट करने के लिए जो भी ड्रग हम यूज़ करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, साइकोफार्माकोलॉजी। नेक्स्ट है एंड द मेडिकेशन, which affect psychic function and behavior or experiences is known as साइकोट्रॉपिक। ये हमने पहले टर्मिनोलॉजीज में वर्ड पढ़ा था साइकोट्रॉपिक। साइकोट्रॉपिक क्या होता है, ऐसा मेडिकेशन जो किसको इफेक्ट करता है, साइकिक फंक्शन को, बिहेवियर को या फिर एक्सपीरियंसेस को। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा डेफिनेशन है। साइकोफार्माकोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ ड्रग जो कि किसके ट्रीटमेंट में यूज़ होता है, साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स के। और जो मेडिकेशन हम साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स या फिर साइकिक फंक्शन, बिहेवियर, एक्सपीरियंसेस को ठीक करने के लिए देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, साइकोट्रॉपिक बोलते हैं। ओके, इसके बाद हम क्लासिफिकेशंस पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग,
ओके, तो ये है क्लासिफिकेशंस ऑफ ड्रग्स जो आपको पढ़ना है. फर्स्ट है एंटी डिप्रेसेंट. पहले मैं बता देती हूँ, उसके बाद एंटी डिप्रेसेंट होता है डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए जो भी ड्रग्स हम यूज़ करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एंटी डिप्रेसेंट. एंटी साइकोटिक में जो भी ये साइकोसिस वाले जितने भी डिसऑर्डर्स हैं उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने के लिए हम एंटी साइकोटिक देते हैं. साइकोसिस, न्यूरोसिस, ये पहले के सेशन में बता चुकी हूँ मैं. नेक्स्ट है एंग्जायटिक और हिप्नोसिडेटिव. एंग्जायटिक और हिप्नोसिडेटिव में क्या होता है, जो भी एंग्शियस पेशेंट होते हैं, स्ट्रेस ज़्यादा ले रहे हैं, या फिर जिन पेशेंट को बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हैं उनको आपको सुलाना है, तो हमें ये हम उन्हें ये मेडिसिन देते हैं, एंग्जायटिक और हिप्नोसिडेटिव. नेक्स्ट है एंटीब्यूज ड्रग. जो भी सब्सटेंस अब्यूज को ट्रीट करने के लिए हम ड्रग प्रोवाइड करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, एंट अब्यूज ड्रग. नेक्स्ट है मूड स्टेबलाइज़र. मूड स्टेबलाइज़र में क्या है, मूड को स्टेबल करने के लिए ताकि वो एक मतलब नॉर्मल पे ही रहे, ना ज़्यादा डिप्रेसिव हो या ना ज़्यादा मैनियाक हो. जैसे बाइपोलर डिजीज़ हो गया, मैंने आपको बताया था कल, बाइपोलर में डिप्रेसिव और मैनियाक एपिसोड्स पढ़ते रहते हैं, उस चीज़ को ट्रीट करने के लिए हम क्या देते हैं, मूड स्टेबलाइज़र देते हैं. इसको हम एंटी मैरिक भी बोलते हैं. ओके, नेक्स्ट है एंटी पार्किंसंस. पार्किंसंस एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है जिसमें क्या होता है, ट्रेमर्स वगैरह, मतलब मूवमेंट वगैरह थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, ट्रेमर्स आते हैं. एंटी पार्किंसंस. ओके, इसमें क्या होता है, ट्रेमर्स मतलब हाथ कांपना वगैरह ये सब ज़्यादा हो जाता है. तो एंटी पार्किंसन को ट्रीट करने के लिए जो भी ड्रग हम यूज़ करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, एंटी पार्किंसंस. फिर नेक्स्ट है एंटी एपिलेप्टिक. एपिलेप्टिक आप लोगों को पता होगा, सीजर्स, एपिलेप्टिक कन्वल्शन. इसमें क्या होता है, जैसे आप बोलते हैं ना फिट्स आते हैं, हिंदी में नॉर्मली बोलते हैं जो मिर्गी होती है, उसको ट्रीट करने के लिए हम क्या देते हैं, एंटी एपिलेप्टिक देते हैं. तो ये कुछ क्लासिफिकेशंस ऑफ ड्रग हैं जो कि आपको आगे डिटेल में पढ़ना है, फिलहाल अभी हम एंटी डिप्रेसेंट पढ़ेंगे. ओके, सबसे पहले एंटी डिप्रेसेंट. एंटी डिप्रेसेंट का कुछ डेफिनेशन वैसे है नहीं, आप खुद लिख सकते हो. एंटी डिप्रेसेंट इज़ द साइकोट्रॉपिक ड्रग्स विच इज़ यूज टू ट्रीट. ओके, मैं लिख ही देती हूँ. एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स आर साइकोट्रॉपिक ड्रग्स व्हिच आर यूज्ड टू ट्रीट डिप्रेशन डिस्थीमिया. आप लोगों ने डिस्थीमिया पढ़ा होगा, डिप्रेशन डिस्थीमिया. ओके, तो ये डेफिनेशन है. एंटी डिप्रेसेंट ड्रग जो है वो साइकोट्रॉपिक ड्रग्स के अंदर आता है और ये क्या करता है, ये ट्रीट करता है किसको, डिप्रेशन को, डिस्थीमिया को. और भी कुछ कुछ चीज़ों में हम एंटी डिप्रेसेंट देते हैं, बट मेन काम जो है इसका ये है कि डिप्रेशन और डिस्थीमिया को कम करता है, इसलिए हम एंटी डिप्रेसेंट यूज़ करते हैं. नेक्स्ट है एंटी डिप्रेसेंट का क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन ऑफ ओके, तो इसके तीन क्लासिफिकेशंस हैं. क्लास ए, क्लास बी एंड क्लास सी.
क्लास सी, क्लास ए का, क्लास ए को हम बोलते हैं टी सी ए, दैट इज ट्राई साइक्लिक एसिड. क्लास बी जो है वो है एस एस आर आई. ये आप लोगों ने अगर कहीं सुना हो तो इसका फुल फॉर्म है सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, एंड थर्ड है एम ए ओ आईज. ये है मोनो अमीनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स. ओके, तो एंटी डिप्रेसेंट के तीन क्लासिफिकेशंस हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी. क्लास ए में क्या आता है? टी सी ए, दैट इज ट्राई साइक्लिक एसिड. क्लास बी में क्या है? एस एस आर आई, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स. नेक्स्ट क्लास सी में एम ए ओ आईज, इसको क्या बोलते हैं? मोनो अमीनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स. नेक्स्ट है ओके, ये क्लासिफिकेशंस हो गए. इनका काम ये होता है, एंटी डिप्रेसेंट को हम मूड एलिवेटर भी बोलते हैं. मतलब इसमें क्या होता है, डिप्रेशन में क्या होता है, सारे इमोशंस जो है वो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं. जैसे मतलब फियर ज़्यादा रहता है, एन्जाइटी ज़्यादा रहती है, स्ट्रेस ज़्यादा रहता है, मतलब अपसेट ज़्यादा रहते हैं. तो वो सारी चीज़ों को कम करने के लिए हम क्या इनहिबिटर्स यूज़ करते हैं, जितने भी न्यूरो ट्रांसमीटर्स. सेरोटोनिन जो है वो भी एक न्यूरो ट्रांसमीटर्स है. सॉरी. तो ये क्या करता है, जितने भी जो भी मूड, मतलब जो भी इमोशंस बढ़े हुए हैं, उन सारी चीज़ों को कम करने में हेल्प करता है. तो ये तीन क्लासिफिकेशंस हो गए. इसका एग्जांपल है TCA का एग्जांपल है इमिप्रामिन. आप कोई और एग्जांपल अगर आपको मिलता है तो वो भी लिख सकते हैं. सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स का एग्जांपल है सिटैलोप्राम, और नेक्स्ट का एग्जांपल है आइसो कार्बोक्सिलेट. ओके, तो ये क्लासिफिकेशन हो गया. इसके बाद हम लोग इंडिकेशन पढ़ेंगे कि एंटी डिप्रेसेंट किस में देते हैं. इंडिकेशन सबसे पहले तो डिप्रेशन, नेक्स्ट डिस्थीमिया, उसके बाद जितने भी फोबियाज हैं, फोबिया में जो भी ये ईटिंग डिसऑर्डर है, ये कुछ इंडिकेशंस हैं जिसमें जिसको हम एंटी डिप्रेसेंट्स देते हैं. इसका अब साइड इफ़ेक्ट है, नौशिया, कॉन्स्टिपेशन, ड्राई माउथ, ओके, ये कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं. तो यहाँ पे हमारा एंटी डिप्रेसेंट ख़त्म होता है. इसके बाद हम नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो पढ़ेंगे. आज के सेशन में इतना ही. थैंक यू क्लास.